कहा कि ये देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा। एक दिव्य महापुरुष की विचारधारा से भारत में एक आध्यात्मिक लोग सत्ता में आएंगे। उस महापुरुष के अनुयायी उनकी इस नई विचारधारा को विश्व में फैलाएंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। भविष्य वक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण वाणियाँ। अब देखिए, ये है वो, पूरा देखना एक बार। ये है वो बहन जिसका फोटो है, ये चित्र बना है इस पत्रिका के अंदर। ये वो बहन खड़ी है, जैसे एक फिलोसफर की तरह इनकी दृष्टि स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब इसके हम आगे और पढ़ेंगे तो आनंद घना होगा। इसके हमने फोटो स्टेट कर रखी है, इसमें निशान लगा रखे, इसमें कुछ उभरे हुए अक्षर हैं, अच्छे पढ़े जाएंगे। देखिए, इसमें ज़्यादा ना पढ़ के हम अपने काम का पढ़ेंगे। वो हमने 53 पर पढ़ा था, ये हमने 53 पृष्ठ है इसका, इस पर पढ़ा था। ये यहाँ 53 पृष्ठ है, यहाँ देखा था 53 पृष्ठ पे। और अब हम यहाँ पढ़ेंगे 54 पृष्ठ पे। ये 54 पृष्ठ है। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा है। पहले उसने बताया कि इस प्रकार बहुत सी भविष्यवाणियाँ इसकी, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से युद्ध किया, इस प्रकार की बहुत सी खतरा मंडला रहा था, टल गया। फ्लोरेंस की इतनी भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई हैं कि कोई उनकी भविष्यवाणियों पर शक तक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी उनकी भविष्यवाणियों के सच होने से आश्चर्यचकित हैं। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा, यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा। लोगों में आक्रोश का भावना प्रबल होगी, दुराचार प्राकाष्ठा पर होगा, पश्चिम देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी, अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी, चारों ओर हिंसा और विवर्तता का वातावरण होगा, गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, अब ये भविष्यवक्ता कह रही है कि अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटन लाग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, ऐसा हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा है, लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारा और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी।